मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजापुर लोकसभा चुनाव असमंजस में, जनता धूप की गर्मी के साथ साथ चुनाव की गर्मी से बीजापुर का आरक्षित मतक्षेत्र लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन किसी को अच्छा तो किसी को बुरा लग रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहती है, तो दूसरी तरफ जेडीएस से महिला को चुनाव में उतारने की बात कही जा रही है। बीजेपी के रमेश जिगजंगी को टिकट तय है कहा जा रहा है। अब इनसे टक्कर लेने के लिए कौन उम्मीदवार होगा जिसकी तलाश अब तक पूरी न हो सकी। दूसरे चरण में यहां 23 अप्रैल को यहां मतदान होने वाला है, इसलिए अभी 2 से 3 दिन में उम्मीदवार का फैसला होगा। धारवाड़ इमारत हादसे में मृतकों की संख्या पहुंची 10 पर। परसों धारवाड़ के कुमारेश्वर नगर में बन रही इमारत गिर जाने से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। यूपी के गाजियाबाद से बचाव कार्य करने पहुंचे 78 सदस्यों की एनडीआरएफ टीम अब भी बचाव कार्य कर रही है, जिसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन सहित जनता हाथ बिटा रही है। बचाव कार्य की जानकारी देते हुए एनडीआरएफ चीफ श्रीनिवासन ने बताया कि अब तक 62 लोगों को मलबे से सुरक्षित बचाकर अस्पताल रवाना किया गया है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कंप्यूटर सेंटर था, जिसमें 18 से 20 विद्यार्थियों के फंसे होने की शंका के चलते बचाव कार्य चल रहा है कहा। आज से राज्य में एसएसएलसी एग्जाम शुरू। आज 21 मार्च से 4 अप्रैल तक राज्य में एसएसएलसी एग्जाम होंगे। इस बार राज्य में कुल 8,41,666 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछले एग्जाम के मुकाबले इस बार 3,578 अधिक विद्यार्थी एग्जाम लिख रहे हैं। राज्य में कुल 2,847 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। 5,202 सरकारी, 3,244 एडेड और 6,040 प्राइवेट स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें विकल चेतन विद्यार्थियों के लिए 4,651 स्पेशल ब्लॉक्स बनाए गए हैं। एग्जाम की पूरी जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग आयुक्त पीसी जाफर और प्रौढ़ शिक्षण विभाग की निर्देशिका वी सुमंगला ने विद्यार्थियों से निवेदन किया है कि क्वेश्चन पेपर लीक होने की अफवाहों पर ध्यान न देकर अच्छे से एग्जाम लिखें। बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीनों का जायजा लिया डीसीएम जी परमेश्वर ने। कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत इंदिरा कैंटीनों की स्थापना की गई है। पिछले दिनों इन कैंटीनों में परोसे जा रहे खाने पर सवाल उठ रहे थे, जिसके कारण आज डीसीएम जी परमेश्वर ने विजयनगर में स्थित इंदिरा कैंटीन पहुंचकर रसोई का जायजा लिया। उसी तरह दीपांजलि इलाके में स्थित एक और कैंटीन में पहुंचकर नाश्ता करके खाने की गुणवत्ता पर कैंटीन कर्मचारियों को सलाह और चेतावनी दी। इस मौके पर इनके साथ बीबीएमपी की मेयर गंगाम्बेका सहित कई अधिकारी भागी रहे। शॉर्ट सर्किट से लगी आग हुआ लाखों का नुकसान। चिकमंगलूर जिले के जेनू गड्ढे ग्राम में ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि विक्रम नामक व्यक्ति के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ है। मामला बड़े होनूर पुलिस थाने में दर्ज। तुमकुरु से चुनाव लड़ने का आग्रह। आज तुमकुरु जेडीएस विधायक गौरी शंकर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के पद्मनाभ नगर में स्थित देवेगौड़ा के घर पहुंचकर इस बार तुमकुर से चुनाव लड़ने का निवेदन किया, जिसके चलते जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा ने कल तक अपना फैसला सुनाने की बात कही प्रदर्शनकारियों से। मंडिया में मोदी टीम कार्यालय का उद्घाटन। जेडीएस का गढ़ माने जाने वाले मंडिया में आज मोदी टीम कार्यालय की स्थापना की चक्रवर्ती सुली बेड़े ने। इस मौके पर मीडिया को बताया कि मोदी के किए गए कामों का हर जिले में प्रचार करना, घर घर जाकर मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए जनता से निवेदन करना हमारा उद्देश्य है कहा। कोई भी वॉलंटियर अगर कार्यालय में नाम लिखवा कर इस काम से जुड़ सकता है कहा सुली बेड़े ने।
तालीकोट में दिन दहाड़े युवक का कत्ल। आज सुबह 10 बजे के करीब बीजापुर जिला तालीकोट शहर के मुत्तु होटल में यह भयानक घटना घटी है, जब 28 साल फयाज अहमद लोनी नामक बागलकोट का निवासी अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था कि अचानक उस पर जुबैर मुल्ला नामक व्यक्ति ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिसके चलते फयाज की मौत हो गई। कत्ल के कारणों का कोई पता अभी नहीं चल सका है। तालीकोट पुलिस ने लाश को बीजापुर जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है, जहां पर परिवार वालों ने इस कत्ल की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी जुबैर मुल्ला खुद को पुलिस के सपुर्द किया है। मामला तालीकोट पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। प्लास्टिक की फैक्ट्री में अधिकारियों की रेड। आज बीजापुर के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित प्लास्टिक की फैक्ट्री पर बीजापुर महानगर पालिका के कमिश्नर औदराम के नेतृत्व में रेड की गई, जहां पर गैर कानूनी तौर पर प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा था। अधिकारियों ने करीब 25 किलो के 108 प्लास्टिक बैग सहित लाखों की सामग्री जब्त करके फैक्ट्री को सील किया है। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री राहुल नामक व्यक्ति की है। सरकारी निर्बंध के बावजूद शहर में कई फैक्ट्रियां और दुकानें हैं जो खुले आम प्लास्टिक बेच रही हैं। ये छापामारी यूं ही चलते रहेगी या सिर्फ एक दिखावा है, आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा, कह रही है जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।